व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं अंश चौधरी। अंश चौधरी ने जेनेसिस क्लासेस से जेई मेंस और एडवांस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। वैसे जेनेसिस क्लासेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो जेई मेंस और जेई एडवांस को क्लियर करते हैं, उत्तीर्ण करते हैं। yes, तो सवाल ये पता होता है कि हमने अंश चौधरी को ही अपने पास इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया, क्यों हम आपसे मिलवाना चाहते हैं अंश को। इसके पीछे रीज़न ये है कि अंश यूपी के एक देहात परिवार से आते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और किसान फैमिली से जिस इलाके से ये आते हैं वहाँ से किसी बच्चे का उठ के और IIT BHU में एडमिशन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे परिवारों में कई बार ऐसा होता है कि IIT तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, बच्चे पढ़ाई के लिए भी अपने पेरेंट्स को मना नहीं पाते कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी स्टडी करना चाहते हैं। तो हम अंश से ही पूछते हैं कि कैसे इन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया, कैसे किसान परिवार से उठकर इन्होंने पहले JEE मेंस और फिर JEE एडवांस की परीक्षा को पास करते हुए और BHU IIT जैसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया है। तो अंश, आप थोड़ा सा हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ और जो मेरे पापा है वो किसान है। मुजफ्फरनगर में किसी गांव में रहते हैं आप? गांव में रहता हूँ, चंदेड़ी में रहता हूँ, एक टाउन है बुढ़ाना, उसके मैं 2 किलोमीटर दूर से एक गांव है चंदेड़ी, वहाँ पे रहता हूँ। और जो मेरे पापा है वो फार्मर है और जो मेरी मम्मी है वो एक हाउसवाइफ है, और मेरी बहन 12th में पढ़ती है, वो नॉर्मल सिंपल स्कूल से पढ़ रही है फिलहाल तो। और मेरे पापा ने मतलब मुझे 9th क्लास में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मुझे गुरुकुल भेज दिया, वहाँ से मैं जेनेसिस क्लासेस से मतलब रूबरू हुआ। और फिर मैंने मतलब करनाल आने का मतलब फैसला किया लॉकडाउन के बाद। फिर जब बच्चे मतलब मेरे 11th में लॉकडाउन लग गया था, जब बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे थे मतलब, जब मैं फिर मतलब यहाँ पर आ गया करनाल में। अच्छा, जेनेसिस सॉरी इधर गुरुकुल में, पहले आपने गुरुकुल में एडमिशन लिया था? यस सर। तो मुजफ्फरनगर से गुरुकुल में आप आए थे पहले? यस सर। तो गुरुकुल में फिर आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ गुरुकुल में ही जो जेनेसिस क्लासेस है वहीं आपने गुरुकुल में ही जेनेसिस क्लासेस में ज्वाइन किया था? यस सर। जेनेसिस क्लासेस के बारे में आप पहले से भी जानते थे? नहीं सर, वहीं आके आपको पता चला जेनेसिस क्लासेस के बारे में, और वहाँ फिर आपने अपनी स्टडी शुरू की? यस सर, 11th में। 11th क्लास आपने गुरुकुल में जो जेनेसिस क्लासेस का इंस्टीट्यूट की? तो जैसे कि मतलब हम 10th में बोर्ड पढ़ते हैं, बोर्ड का पढ़ते हैं, तो बोर्ड में क्या होता है ना कि मतलब 3-3, 4-4 पन्ने ही सवाल लिखने होते हैं, पर जब हम JEE की तरफ मतलब आते हैं तो मतलब वो ना बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है कि हमें मतलब ऐसे लिखना नहीं होता, हमें सॉल्व करना होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में। तो जब मैं मतलब लॉकडाउन लग रहा था 11th क्लास में, तो और मैं क्लास गए नहीं मतलब, ऐसे ऑनलाइन क्लास होता था गाँव में, नेटवर्क नहीं आता था इतना, कभी क्लासेस में मतलब ऑनलाइन मतलब नेट का इशू होता था, कभी कुछ होता था, तो ऐसे समझ में नहीं आया इतना कुछ। फिर मतलब मैं जब गुरुकुल में गया तो मैंने देखा कि भाई बहुत पीछे हो गया मैं तो। फिर मैंने मतलब करनाल आने का फैसला किया, मैंने जितेंद्र सर से बात करी, फिर जितेंद्र सर ने सपोर्ट करा, फिर जितेंद्र सर ने मतलब मुझे अपने घर के नीचे रखा, हॉस्टल है मतलब वहाँ पे, तो वहाँ पे रखा। फिर मतलब जब 12th में भी लॉकडाउन लगा, फिर मैं पूरी 12th में मतलब लॉकडाउन के टाइम पर भी वहीं रहा, और हम एक साथ मतलब अच्छा, वहाँ पर खाना भी अच्छा था और मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट बन रहा था। जितेंद्र सर किन के बारे में आप बता रहे हैं? जितेंद्र सर जेनेसिस के डायरेक्टर हैं और वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप बात कर रहे हैं जेनेसिस के जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र एलावा जी, उनके बारे में के? यस सर। तो आप उनके साथ उनके घर पे स्टे करते थे या होटल में? हो नहीं, घर पे, मतलब जैसे जितेंद्र सर ऊपर रहते हैं मतलब मिडिल फ्लोर पे, हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे 7-8 बच्चे। अच्छा, तो मतलब कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो आपके साथ उनके घर पे ही रहते थे? हाँ, और वहीं पे ही आप स्टडी करते थे? हाँ, और जितेंद्र सर टाइम टू टाइम हमें आके गाइड करते थे मतलब मोटिवेट करते थे, और मतलब हम मतलब बिल्कुल एक मतलब जो पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट बनता है भाई, ऊपर जितेंद्र सर है थोड़ा मतलब ऐसा ओरा भी क्रिएट होता है, तो बिल्कुल मतलब अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था वहाँ पे। और फिर पूरी 12th वहीं से करी फिर। अच्छा जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, देखिए कि स्टूडेंट्स को अपने साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेना और स्टूडेंट्स के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, ताकि स्टूडेंट को बिल्कुल घर जैसा इन्वायरमेंट मिले, उसको पढ़ने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए जो जेनेसिस के डायरेक्टर हैं उनके साथ ही आप रहते थे, उनके घर पर रहते थे, तो बाकी के जो स्टाफ हैं उनका आपके साथ, जेनेसिस के जो स्टाफ हैं उनका किस तरह का, अगर जो वैसे तो जाहिर सी बात है कि अगर जो ऑनर ही इतना कोऑपरेटिव है तो जो बाकी का स्टाफ है वो तो कोऑपरेटिव हो गई, फिर भी थोड़ा सा हमें बताइए कि आपका, क्योंकि आपने JEE मेंस और JEE एडवांस दोनों ही वहीं से ही किया है, तो कैसे आपका बाकी के टीचर्स के साथ भी
कम्युनिकेशन रहता था। तो मैथ्स की मतलब ग्रीसर थी, ग्रीसर थे और मनु मैम थी, तो दोनों मतलब बिल्कुल डाउट अच्छी तरह बताते थे। तो मतलब किसी टाइम आप चले जाओ वो डाउट बताएंगे अच्छी तरह, मतलब पूरा लिख के देंगे, मतलब ये पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप, मतलब जैसे होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है कि मतलब शॉर्टकट यूज़ करते हैं मोस्टली टीचर्स, तो ये मतलब बिल्कुल शॉर्टकट एक स्टेप छोड़ के नहीं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप क्लियर करते थे। और क्लास में तो मतलब बिल्कुल इंटरेक्टिव सेक्शन रहता था, मतलब हमारा मतलब बैचेस भी छोटे हैं वैसे तो, मतलब बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट, टीचर भी मतलब इतना मतलब वो नहीं करते, मतलब बिल्कुल ऐसा मतलब कम्फर्ट करते हैं मतलब हमें, मतलब ताकि हम ऐसे फ्रेंडली और उनसे कुछ भी डाउट। मैं एक बार जानना चाहता हूँ आपसे कि और भी बच्चों से हम लोग मिलते हैं कहीं, तो जैसे करनाल के अंदर जेंसिस क्लासेस का काफ़ी अच्छा नाम है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं पहले भी उनके हमने इंटरव्यू किए हैं यहाँ से, ना सिर्फ जेई मेंस बल्कि नीट का भी काफ़ी बच्चे क्लियर करते हैं, और एम्स दिल्ली पीछे मेरे ख्याल 37 आया था शायद किसी बच्चे का, पूरे 33 शायद वासु नाम का कोई बच्चा था, उसका नीट एग्जाम उसने क्लियर किया था, एम्स दिल्ली में अभी उसका एडमिशन हुआ है, और सफदरजंग लेडी हॉर्डिंग वगैरह में तो बहुत ही बच्चे जाते हैं। तो इनका एक जो पैटर्न है जेंसिस क्लासेस का बच्चों को तैयार करने का, एग्ज़ाम को क्लियर तक करवाने का, वो क्या फॉलो करते हैं? मतलब वो क्या करते हैं, पहले मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले चैप्टर बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर मतलब उसे धीरे धीरे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। और जैसे कि मतलब टेस्ट होते हैं हमारे हर वीक, तो हर वीक टेस्ट होने का फ़ायदा ये होता है ना कि मतलब जो हमारे मतलब क्लास में पढ़ाया जा रहा है अब उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के हिसाब के लिए हो जाती है, तो फिर जो हमारा बेस होता है ना वो अच्छा बन जाता है। और यही कारण है कि भाई मतलब हमारी इतनी अच्छी रैंक आ रही है, वासु की 33 मतलब रैंक आई थी, और क्या कहते हैं जेनेसिस मतलब जो जितेंद्र सर भी है वो इतना मोटिवेट करते हैं, मतलब कभी हमें लो फील नहीं करने देते। जैसे भाई क्या हुआ था कि अक्टूबर में मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे थे, सिलेबस पूरा हो रहा था और एडवांस के क्वेश्चन नहीं लग रहे थे, तो मतलब जितेंद्र सर ने इतना मोटिवेट कराया ना, मतलब जितेंद्र सर का मतलब मेल लाइफ में तो रोल क्रूशियल है, मतलब वो कोई भी आदमी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता अब तक। टेस्ट सीरीज वगैरह भी की रहती है वो क्या पूरे ऑल इंडिया के बेस पे रहती है? हाँ, मतलब जेनेसिस वाले हमें मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते करवाते हैं, और मतलब हमें मतलब एक ओरा प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम ऑल मतलब जितनी भी वो टेस्ट सीरीज है उन्हें बैठकर डिस्कस करें टीचर्स के साथ, फिर मतलब डाउट क्लासेस होती है, डाउट क्लासेस मतलब मैं टीचर्स मतलब जितने भी बच्चों के डाउट्स है वो सॉल्व कराता है, मतलब वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कि मतलब जैसे एक मतलब आपका डाउट नहीं है और किसी और का डाउट है तो वो छोड़ दिया कि भाई तुम आपसे पूछ ली, बोले ऐसे नहीं, वो एक एक क्वेश्चन है कि बोर्ड में कराते हैं अच्छी तरह समझाते हैं, और मतलब ऐसा कुछ नहीं अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, फिर भी नहीं समझ में आया डाउट रूम में पूछ लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, क्लासेज अच्छी होती है, मतलब ऐसे। अच्छा एक बात बताओ कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था या? हाँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था, जब मेंस है तो मेंस में भी जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें ही आ गई थी 99.12% और एडवांस भी पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। अच्छा एडवांस भी पहले अटैम्प्ट में? एडवांस में जेई मेंस में कितना परसेंटेज आया था आपका? 99.12। और मेरी जो मेरा ना जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ्स था, और मेरी ना मैथ्स में मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, और केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, तो मतलब मेरे मैथ्स में आई थी 99.88%, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 96-97 आई थी, तो टोटल मिला के 99.12 बन गई थी ऐसे। ठीक, और उसके बाद फिर आपने? उसके बाद फिर मैंने सारा फोकस एडवांस पे दे दिया, फिर एडवांस अच्छा गया, फिर एडवांस भी क्लियर हो गया, और एज अ रिजल्ट मुझे IIT BHU में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गई। अच्छा, वहाँ से अब आप IIT की परीक्षा जो है आगे जैसे भी होगा क्लियर करेंगे, तो आगे के लिए क्या सोचा है? क्योंकि IITians से जो हम देखते हैं आजकल इंडिया में जो जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं मैक्सिमम IITians ही हैं जो उसको शुरू करते हैं चलाते हैं, और जॉब में भी जाते हैं बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, मेरे ख्याल जो स्टार्टिंग पैकेज भी जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह गूगल वगैरह है वो IITians को ही सबसे पहले इंडिया से ही उठा के ले जाते हैं और बहुत बड़े बड़े पैकेज देते हैं, 1 करोड़ तक का पैकेज हमने सुना है, तो आपने क्या सोचा जाके जाके अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में? नहीं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता, मतलब मेरा इंटरेस्ट UPSC में, और मैं UPSC की तैयारी करना चाहूँगा अभी, मतलब ऐसा। अच्छा, अभी से लग जाऊँगा मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए? यस सर। तो UPSC क्लियर करने के बाद आगे आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब क्या? मैं IFS बनना चाहता हूँ, और जो मेरे रोल मॉडल है मतलब उसमें वो इंडियन के जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो है, वो के एस जयशंकर। हाँ,
और जो उनका मतलब वर्क के मतलब इंडिया में उनके फॉरन उनकी वजह से हमारे इतने अच्छे फॉरन रिलेशन बन रहे हैं, तो वो मुझे काफ़ी ठीक है, मतलब मुझे IFS बोलना है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि IFS जो ऑफिसर जो होते हैं वो एक तरह से कंट्री का चेहरा होते हैं, क्योंकि आगे दूसरे कंट्रीज के साथ कम्युनिकेट करना होता है, विजिट करना होता है, तो उन्हें ही उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वही लाइमलाइट में ज़्यादा रहता है। हाँ, मुझे मतलब मुझे अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेटर बनना है, मतलब मुझे ऐसा चीन बियर मतलब फ्लैग बियर बन बनना है, मतलब जो ऐसे झंडा पकड़ के चले, मतलब सबसे क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा यूपी के एक देहात में से किसान फैमिली में से उठ के और IIT BHU तक जा सकता है, तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और यहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी है। तो अभी भी अभी जो जैक्स क्लासेस के ऊपर जो बच्चे इस समय कर रहे हैं या दूसरे बच्चे जो यही सब फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, जेई मेन या एडवांस को क्लियर करना चाहते हैं और आगे जाके UPSC क्रैक करना चाहते हैं, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, मतलब कि 2-5 दिन अच्छी तरह पढ़ लिया फिर सैटरडे संडे का ब्रेक ले लिया, ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा थोड़ा या फिर जितना हो रहा है आपसे उतना पढ़ो, पर लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और जैसे एक टर्म मेरी सर ने बताई थी मुझे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्षणिक सुख, कभी भी मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब ऐसे खुशी के पल मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, मतलब कि चलो कुछ कर लेते हैं तो मतलब पूरा मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो ठीक है, पर जो लॉन्ग टाइम के लिए है ना, लॉन्ग टर्म के लिए वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मतलब हमें मतलब मेहनत करनी है बेसिकली, और अगर आप मेहनत करोगे, टीचर से फेथ रखोगे, बस अपने जो टीचर है ना मतलब आग बंद करके उन पर विश्वास कर लो, जो भी कह रहे हैं वो कर लो, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन क्या सब कुछ होएगा। मतलब बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टीचर के ऊपर विश्वास रख के जो बच्चे चलते हैं, हमने देखे हैं कि वो बहुत जल्दी सक्सेस करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चों को मैं जानता हूँ जो टीचर जो पढ़ाते थे उस पर कम ध्यान देते थे और अपनी मर्जी से जो मटेरियल है, जो सिलेबस है या कुछ भी कवर करने की कोशिश करते थे, और टीचर के बताए हुए थोड़े से नोट्स को छोड़कर और बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने के चक्कर में कई बच्चे पढ़ जाते हैं, तो ऐसे बच्चे मैंने देखा कि इतना सक्सेस नहीं कर पाते जो वो बच्चे कर जाते हैं कि जो टीचर के दिए हुए थोड़े से नोट्स को पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और मैंने सुना है कि जो जिन बच्चों ने पहले क्लियर किए हैं इस तरह के एग्ज़ाम, उन्होंने एक ही बात कही है कि एक समय में 3 किताबों को पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 3 बार पढ़ा जाए। आपको क्या लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है? मतलब सर ने जो भी कहा, मतलब कि एक किताब को 3 बार पढ़ना चाहिए, तो मैं भी बस यही कहूँगा कि उससे क्या होगा ना कि मतलब आपकी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ जाएगा, और एट लास्ट आपको कॉन्फिडेंस ही चाहिए, क्योंकि आता सबको है, बस वहाँ पे क्या होता है कि आप मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, एक्सेसिव थॉट्स तो नहीं आ रही, डर तो नहीं लग रहा, वही बात होती है बस। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक बार जो मैंने ऑब्जर्व किया कि देखो बच्चे एक जैसा पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप 8-10 घंटे पढ़ते होंगे, आपके दूसरे साथी भी 8-10 घंटे 11 घंटे तक भी पढ़ते होंगे और नंबर भी लगभग एक जैसे आते होंगे आपके, लेकिन क्या रीज़न है कि आप सक्सेस हो गए, मतलब कि आप ही के साथ के दूसरे जो आपके साथी थे उनमें से कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, आप क्लियर कर पाए जबकि इंटेलिजेंसी लेवल सेम था, तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि जिनका इंटेलिजेंसी लेवल तो सेम होता है, क्लियर करने वालों के बराबर ही होता है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते, तो क्योंकि आपने क्लियर कर किया है तो आप उनके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं? देखो, पहले तो बच्चे ने कंपेयर करने की बहुत बड़ी गलती करते हैं, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई उसका 1 नंबर कम आ गया, मेरे 1 नंबर ज़्यादा आ गया, कभी मत करो। उससे क्या होता है ना, आपको कभी कभी डिमोटिवेट फील होता है, कभी कभी आप मतलब थोड़ा चने के पहाड़ पर चढ़ जाते हो, तो मैं कभी भी मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए, शायद जिनका मेरे साथ इंटेलिजेंस लेवल सेम होएगा तो वो आज शायद उनका पेपर नहीं क्लियर हुआ है, कुछ भी हुआ हो उनके साथ, तो शायद वो कंपेयर करे, उन्होंने कंपेयर करा और वे मतलब थोड़ा मतलब उनका जो ऐसे मेंटल लेवल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि वे कंसिस्टेंट नहीं रहे कि भाई 4 साल जम के पढ़ाई कर ली, अच्छे मार्क्स आने के फिर छोड़ दी पढ़ाई, तो ये हो सकते हैं। और जो तीसरा है कि मतलब वो गलत संगत में फंस गए हो, कि मतलब जैसे ये जो टीनेज है ना, मतलब वो क्या करती है ना, मतलब बिगाड़ने की बिल्कुल कोशिश करती है, मतलब कि भाई ऐसे मतलब कि कहीं किसी अट्रैक्ट हो गया ऐसे वगैरह,
तो बिल्कुल इनमें नहीं पढ़ना है। सारा कुछ पढ़े होने के बाद भी अगर उन्होंने एग्ज़ाम को ऑनलाइन देने की प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात कहाँ तक ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात भी, मतलब कि जो प्रैक्टिस नहीं करते तो अब आपको जैसे एडवांस पेपर वो 6 घंटे का होता है तो आपको बेसिकली वहाँ पे 6 घंटे बैठना है और सोचना भी है, मतलब 6 घंटे में क्वेश्चन भी करना है। तो हमें मतलब वो बिल्कुल पैटर्न बनाना पड़ेगा भाई, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम ऐसे, कि मतलब ताकि हमें मतलब जब हम मतलब पेपर में जाए तो हमें कुछ भी नया ना लगे और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर रहे, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन ना रहे, हमें नींद वगैरह ना आए। तो इसलिए मतलब ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है अपना, मतलब जैसे पेपर आए पेपर के स्लॉट्स में पेपर देना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस, उसे प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली हुई जो टेस्ट देने जो पढ़ा हुआ है उस पढ़ने पढ़े हुए को पेपर के ऊपर ही उतारना या ऑनलाइन उतारने की प्रैक्टिस करना जैसा एग्जाम देना है वो बहुत जरूरी है। उसी टाइम स्लॉट में उस टाइम कोड में देना बहुत जरूरी है, तभी प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाएगी और बच्चे क्लियर करते हैं, वहीं वो गलती कर सकते हैं। तो आप कितना टाइम अपने देते थे स्टडी को, मतलब आपका स्टडी का पैटर्न क्या था और आप बच्चों को क्या कहेंगे कि वो स्टडी का पैटर्न क्या रखें, क्या कोई पैटर्न ऐसा होता है या बच्चों को खुद ही देखना पड़ता है? जो स्टडी पैटर्न होता है वो पीपल टू पीपल डिपेंड करता है, मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। जैसे मुझे सुबह उठ के पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चों को शाम को पढ़ना पसंद होता है, मतलब रात में देर तक, तो मैं तो सुबह जल्दी उठता था और फिर पढ़ता था ऐसा। अच्छा इस तरह मतलब परसेंट परसेंट वेरी करता है। हाँ परसेंट परसेंट वेरी करता है। और कोई संदेश आप देना चाहें बच्चों को? बस फाइनली बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और मतलब हार्ड वर्क करना करते रहना है, ठीक है। जो मुश्किलें आती है ना वो सबकी मुश्किल है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर जो टॉपर होएगा ना एडवांस का वो भी मतलब किसी डिफिकल्ट फेज से तो गुजरा होगा ना, तो अगर आज आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो ना तो उसे ये फिर छोड़ना नहीं है, मतलब कि तैयारी छोड़ दो, मैं बहुत मतलब परेशान हूँ ऐसा कुछ नहीं करना है, उससे पास करो। जब आपका एडवांस क्लियर हो जाएगा, जब मतलब फिर आप उन्हीं मतलब फेजेस को याद करोगे कि भाई मैंने ये फेजेस क्रॉस करे हैं और इतना अभी इतनी मेहनत कर लो ना कि जैसे एडवांस की जो पहली रात होगी ना उसमें आपको चैन की नींद आ जाए, बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो अंश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने ही साथियों को बच्चों को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जेंसिस के उनको आपने ये संदेश दिया।